सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाले और हम आपको बताने वाले जो कंपनी होने वाला है, एक्साइट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको पूरा का पूरा मिल पाएगा। जो भी हम आपके साथ में एक्सप्लेन करते हैं वो आपको पूरा मिलना चाहिए। देन उसके बाद जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर कॉल करना है। पहले डिटेलिंग समझना है, उसके बाद कॉल करना है, बात कर लेना, उसके बाद जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीटेड करके उसके बाद जॉब्स ले लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपके साथ में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये एक्साइट बैटरी कंपनी है जिसमें आपका जो पोजीशंस होता है, सपोज दैट सभी को पता होगा, पोजीशंस के बारे में मैं मेंशंस कर देता हूं। कोई भी पैकिंग पिकिंग का काम नहीं होता है, देन मिक्सिंग हेल्पर का काम होता है। मिक्सिंग हेल्पर के काम में देखिए, मिक्सिंग हेल्पर करना पड़ता है। कोई भी काम हार्ड ही होता है, नॉर्मल्स नहीं समझो उसको, हार्ड होता है। देन हार्ड होता है तो आप समझ लो कितना हार्ड हो सकता है और कितना मतलब ये हो सकता है 12 आवर्स की ड्यूटी होती है तो हार्ड ही होते हैं। ये डीमोटिवेशंस वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मोटिवेशन एक तरह से आपको दे रहा हूँ कि देखो कोई भी काम को अगर हार्ड समझ के जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कोई भी काम आसान लगेगा, लो लगेगा और आप इजीली कर पाओगे। लेकिन यहाँ से सोच के अगर जाओगे कि हम किसी भी काम है हम तो ये चुटकियों में कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता मेरे भाई। ऐसा सोच के जाते हो वहाँ पर आपका माइंड सेटअप चेंज होता है, देन आप वहाँ से भाग आते हो और किसे बदनाम करते हो, एजेंसी वाले को। तो हम ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जो मैं आपके साथ में शेयर कर दिया हूँ। यहाँ पर एडवांस पेमेंट का सिस्टम है। देन बहुत सारे लोगों को ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि एडवांस पेमेंट चाहिए होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर इस कंपनी एडवांस पेमेंट का सिस्टम है। 12 आवर्स की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है। लोकेशन अमता हावड़ा में होने वाला है, जिसमें रूम फ्री है, रूम का कोई चार्जेबल अमाउंट आपको पे नहीं करना है। देन कैंटीन फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल नहीं बताया गया है। एज लिमिटेशन जो आपका मिनिमम होना चाहिए 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 45 होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशंस में अगर आप एनी पास है यू कैन डू इट इजली, आप मतलब 8 पास है 10th पास है चल जाओ, 8 पास तक मांगा गया इसमें एंड चल भी जाएगा। सैलरीज की बात करते तो 11,550 रुपये बेसिकली है जो 12 आवर्स ड्यूटी का। अगर आप संडे लगाते हो, अगर उससे ओवर वर्क करते हो, ऐसे ओवर तो ओटी का दिया ही नहीं गया इसमें सिस्टम, लेकिन अगर संडे लगाते हो तो देन आपका सैलरी इंक्रीज हो सकता है। सो गाइज, अब बात करते जॉब्स कैसे मिलेगा। जॉब्स लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल करना है लिटरली, और कॉल करने के बाद उसके बाद आपको जॉब्स लेना है। जॉब्स कैसे लेना है वो आपको पूरा एजेंसी बेसिस जॉब है। सो गाइज, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एजेंसी बेसिस जॉब है तो रजिस्ट्रेशन फीस है, जाहिर सी बात है आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एजेंसी है तो आपको जॉब्स 100% मिल जाते हैं, देन आपको ईजिली हो जाता है, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, आपने अभी तक सेकंड चैनल पर विजिट नहीं किया है तो विजिट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशंस जो होता है वो आपको टाइमली मिल पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।